VP Suhail might not be playing in ISL semi-finals as his team North East FC failed to qualify for the playoff, but he's definitely the man to watch out for when ISL franchises start building their teams for the next season. जी हाँ, with his recent Indian team call-up, VP Suhail भारतीय फुटबॉल के वो खिलाड़ी हैं जिनको इनके क्लब North East FC के साथ साथ ISL के हर कोई क्लब अपने टीम में रखना चाहेंगे। ऐसे में गाइज आइए इस वीडियो पर हम बात करते हैं VP Suhail के बारे में। How good is North East FC's VP Suhail? Hey Most Bid family, best wishes on this amazing festival. Holi, the festival of colours. Be happy. दोस्तों, होली टूर्नामेंट मार्च 11 से मार्च 19 तक चलेंगे और यहाँ पे गाइस अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर आप 25,000 के एक बोनस जीत सकते हैं, 20,000 के प्राइस पोल भी आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैसीनो गेम्स भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अपना खुद का ड्रीम 11 लाइक मोस्ट बैड फैंटेसी बनाइए और 60 रुपीज के कैशबैक अपने फेवरेट डिपॉजिट मेथड पर पाइए। There is no doubt in the fact that Sunil Chhetri has been a key figure for Indian football team over the last 2 decades. Lekin guys, Sunil Chhetri is already 37 year old. Aur dosto, long term mein Bharatiya football team ko Sunil Chhetri jaisa ek reliable aur clinical forward ki zarurat hai jo ki Indian team ke liye regularly khel sake. Lekin dosto, agar aap Bharatiya striker ki baat kare to abhi filhal Bharat mein kuch gine chune players hi bache hai jinhone wo kabiliyat dikhaya hai. Aur aise mein jis waqt ISL aur I-League ke har ek club apne फॉरवर्ड डिपार्टमेंट में ज्यादातर एक फॉरेनर टारगेट मैन प्रेफर करते हैं, उसी वक्त देयर इज अ मैन स्टार्टिंग रेगुलरली इन ISL। जी हां, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन स्ट्राइकर VP Suhail। दोस्तों, 29 साल के VP Suhail ने इस सीजन हाइलैंडर्स के लिए करीब 19 मैच खेले हैं, जहां पे गाइस ऑन एन एवरेज अगर आप बात करेंगे तो गाइस ऑन एन एवरेज हर एक मैच में VP Suhail ने 84 मिनट खेले विद 4 गोल्स एंड 2 असिस्ट। VP Suhail भारतीय फुटबॉल टीम के कुछ ईगर स्टीमार्च के निगाहों से नहीं बच सके और उनको आने वाले बाहरेन और बेलारूस फ्रेंडलीज के प्रोबेबल्स में भी शामिल किया गया है। VP Suhail प्राइमरीली तो एक स्ट्राइकर है, लेकिन गाइस रिसेंट कुछ सीजन की अगर आप बात करें तो उन्होंने अपने विंग प्ले में भी काफी सुधार लाया। मोहन बगान के साथ कीबो विकोना के अंदर उन्होंने ज्यादातर एज ए विंगर खेले थे और दोस्तों, मोहन बगान के I-League विनिंग कैंपेन के वो एक रेगुलर मेंबर थे। गोकुलम केरला FC के साथ भी अपने करियर के शुरुआती वक्त में उन्होंने फुटबॉल खेले थे। खालिद जमील के अंदर नॉर्थ ईस्ट FC में VP Suhail के प्रॉपर डेवलपमेंट हुए। जमील ने दोनों ही सीजन में सुहेर को एज ए स्ट्राइकर और कभी कभी फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ए विंगर खिलाए थे और दोस्तों, सुहेर ने भी इन दोनों पोजीशंस को बहुत बढ़िया तरीके से अडॉप्ट कर लिया था। दोस्तों, VP Suhail के मेन स्ट्रेंथ है उनके फिजिकलिटी और उनके फिनिशिंग। इनसाइड द बॉक्स सुहेर इज एज डेंजरस एज एनी अदर फॉरेनर इन ISL। हमेशा ही कैप्टन आई फॉर गोल, विंग प्ले भी उनके जबरदस्त रहे हैं। तो गाइस, एक तरफ से देखा जाए तो सुहेर ने एक प्रॉपर क्लिनिकल स्ट्राइकर के मुकुट हासिल कर लिया है। VP Suhail के हेडिंग एबिलिटीज भी बढ़िया है, क्रॉसेस में गोल वो डाल सकते हैं और अपने फिजिकलिटी के प्रयोग करके सुहेर बॉल को शील्ड कर सकते हैं, व्हिच कैन लेटर बी कन्वर्टेड इनटू गोल। तो गाइस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन क्लेम दैट सुहेर विल लीड इंडियन स्ट्राइकिंग फोर्स फॉर द नेक्स्ट 5 years इन इंडियन फुटबॉल। लेकिन क्या VP Suhail इस टैलेंट को बरकरार रख के इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरवर्ड बन पाएंगे, वो देखना आने वाले वक्त में बहुत ही दिलचस्प होगा।